हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अभी स्टेट कोटा राउंड 2 की कुछ स्टेट्स ने कट ऑफ रिलीज़ कर दी है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ कर दी गई है। तो किस स्टेट ने रिलीज़ किया, लास्ट कट ऑफ क्या गया है, लास्ट कौन सा एडमिशन का कॉलेज है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें क्योंकि इसमें हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेगा स्टेट कोटा राउंड 2 में आपको MBBS गेट करने में। उसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो MBA एग्ज़ाम्स की, सो और वो भी जैसे IIFT हो गया, ZAT हो गया, CMAT का एग्ज़ाम हो गया, MH-CET हो गया, तो इन एग्ज़ाम से जो नॉन कैट एग्ज़ाम है, तो उसके लिए अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लेके आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, NMAT मॉक टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, और फ्रेंड ये जो टेस्ट है 12 दिसंबर को होने वाला होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो आप इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी MBA की प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड, ये जो NMAT का मॉक टेस्ट नंबर 2 होगा, इसका ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स का, इसका जो मोड होगा इंग्लिश का होगा, 108 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 324 मार्क्स का क्वेश्चन जो ये टोटल पेपर होगा फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ 2 घंटे बैठना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए अनअकैडमी करा रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो NMAT में जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे क्वांट के क्वेश्चन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, और ईच सेक्शन का जो NMAT का एग्जाम होगा उसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा, एंड देर इज़ नो निगेटिव मार्किंग इन केस ऑफ रॉन्ग अटैम्प्ट। अगर आप रॉन्ग अटैम्प्ट भी करते हैं एक तरह से, क्योंकि दोस्तों आपके लिए मॉक टेस्ट है, तो आपका कोई निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। सो गाइज, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास, आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आपको करना क्या, अनअकैडमी एजुकेटर ऐप इंस्टॉल करना है, और जैसे आप उस ऐप को एजुकेटर ऐप को आपको रेफरल कोड पूछेगा, आपको डालना है रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास। अगर जैसे आप रेफरल कोड को डालोगे तो आप उस टेस्ट को अनलॉक करके टेस्ट दे पाओगे। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसलिए सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी आपके फ्रेंड दोस्त अगर कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नॉन कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, MBA के किसी एग्जाम्स की, तो उनको आप ये फ्री टेस्ट सीरीज रेफर कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात ने अपने सेकंड राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट का जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद में जिन जिन बच्चों का हुआ है सेकेंड राउंड में दोस्तों MBBS में, तो उन सभी बच्चों का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, BJ मेडिकल कॉलेज में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। और ये सेकेंड राउंड MBBS का गुजरात स्टेट की अलॉटमेंट है दोस्तों, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का अलॉटमेंट, कंप्लीट अलॉटमेंट किन किन बच्चों को ये कॉलेज मिला है। उसके बाद दोस्तों BJ मेडिकल कॉलेज में जो भी चाहे ओपन कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, उसके बाद हर कैटेगरी वाइज, और उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने ये पूरा स्कोर भी यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि आपकी AIQ रैंक कितना थी, आपका नीट परसेंटाइल कितना था, वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपके सामने रखी है। तो हर कॉलेज की अगर आप देखोगे तो सारा कट ऑफ का पूरा एनालिसिस भी दिया है, कि जैसे अगर हम देखेंगे कि इस कॉलेज में कितने बच्चे जनरल से थे, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, वो सारा स्क्रीन पे अवेलेबल है। उसके बाद जैसे अगर किसी को गवर्नमेंट वडोदरा कॉलेज में देखना हो, तो इन इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वडोदरा कॉलेज में फ्रेंड्स, आप देख सकते हो वडोदरा कॉलेज में। और उसके साथ साथ उसके बाद आपको टोटल यहाँ पर उन्होंने काउंट भी बताया कि कितने बच्चे टोटल वडोदरा कॉलेज में सेलेक्ट हुए और उनका क्या लिस्ट आप देख सकते हो। तो उन्होंने बताया कि ओपन के 106, ओपन PH के 6, SC के 15, SC PH का 1, ST के 32, ST PH का 1, SC के SC PH का 1, और टोटल 222। तो उसमें से 222 में से मेल और फीमेल का रेशियो भी आपको बताया। तो दोस्तों ये अपडेट है, गुजरात ने स्टेट कोटा राउंड 2 की जो लिस्ट है वो रिलीज़ कर दिया, उनका कॉलेज अलॉटमेंट आपके सामने अवेलेबल है। ये कंप्लीट लिस्ट दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे शेयर करने वाला हूँ, जहाँ से आप इसको कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नई अलॉटमेंट लिस्ट के ऊपर। सो फ्रेंड, उसके साथ साथ गुजरात में क्या किया है कि आपके लिए जो सेकंड राउंड का लास्ट मेरिट था वो भी बता दिया गया है कि किस कॉलेज का क्या। तो आप देखो, सबसे पहले कॉलम में मेडिकल कॉलेज का नाम है, उसके बाद जो कैटेगरी है, कितनी सीट्स हैं वो यहाँ पे बताई है, और उसके हिसाब से PA जो मेरिट है वो बताया है यहाँ पे। तो ये कंप्लीट लिस्ट गुजरात ने अपने लिए मेंशन कर दिया है। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर कितनी कितनी, मतलब कितने कितने मार्क्स पे गया है बच्चों का। तो ये कंप्लीट उन्होंने लास्ट रैंक का जो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है, तो आप इस कंप्लीट डॉक्यूमेंट में अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज की लास्ट रैंक चेक कर सकते हो और लास्ट रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट चेक कर सकते हो। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो जो भी बच्चे गुजरात स्टेट के हैं उस सीट में से आप लास्ट मेरिट देख सकते हो दोस्तों। ये आज डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गुजरात स्टेट ने, आप देख सकते हो सेकंड राउंड ऑफ लास्ट मेरिट पर गुजरात स्टेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट गुजरात के स्टूडेंट के बच्चों के लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर फ्रेंड्स।
सो उत्तराखंड स्टेट ने भी अपना जो स्टेट मैट्रिक्स है राउंड टू का वो रिलीज़ कर दिया कि कितनी वैकेंट सीट है वो पर कॉलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तराखंड ने जितनी MBBS की सीटें बची है राउंड टू के लिए, तो ये अपडेट है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपडेट देख सकते हैं कि हल्द्वानी में कितनी सीटें बची हैं। उसके बाद दोस्तों अगर डून कॉलेज है उसमें कितनी सीटें हैं, कितनी SC की आप देख सकते हो, अनरिजर्व की 23 सीटें बची हुई है, SC रिजर्व की 7 सीटें बची हुई है दोस्तों, और ST रिजर्व की 4 सीटें बची हुई है। तो ये है उत्तराखंड स्टेट के लिए अपडेट दोस्तों। ये डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये अपने मैं टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। के साथ दो बच्चे राजस्थान स्टेट से हैं फ्रेंड्स, उनके लिए अपडेट ये है कि राजस्थान ने अपने स्टेट कोटा राउंड टू में उन सभी बच्चों का लिस्ट निकाल लिया है जिन्होंने AIQ राउंड टू में ज्वाइन कर लिया था। तो उससे क्या हुआ कि लगभग ये काफ़ी बच्चों की लिस्ट है, मैंने आपको बताया लगभग ये लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट है और लगभग 2000 के आसपास इसमें बच्चे हैं, और इन सभी बच्चों ने यहाँ पे टोटल इन्होंने काउंट बताया 1606 बच्चे। तो दोस्तों हुआ क्या है राजस्थान में कि टोटल 1606 बच्चों ने AIQ का राउंड वन या राउंड टू ज्वाइन कर लिया है AIQ का, और अब राजस्थान में ये सीटें खाली हो गई है, ये सीटें राउंड टू के बच्चों को दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, स्टेट कोटा काउंसलिंग में राजस्थान में 1606 बच्चों में से सिलेक्शन जिनका होगा वो और रैंक बढ़ जाएगी। तो आपको ये देखना है कि स्टेट कोटा राउंड वन की कट ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि स्टेट कोटा राउंड वन की कट ऑफ 618 के आसपास गई थी, तो अगर आपके 618 में से 1606 रैंक और नीचे आया है, आपकी स्टेट रैंक उसके अंदर आती, आपकी स्टेट रैंक मैटर करती है, तो कट ऑफ 1606 रैंक और नीचे जाने वाली। सपोज किसी स्टूडेंट्स की जो रैंक थी स्टेट कोटा में वो 2000 रैंक थी और कट ऑफ मान के चलो कि 1300 तक गई थी, तो उस केस में क्या होगा कि 1606 रैंक और बढ़ने वाली है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि 1606 बच्चों को और स्टेट कोटा राउंड टू में अलॉटमेंट मिलेगा क्योंकि AIQ में बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, राजस्थान स्टेट ने जितने भी बच्चों ने इसमें ज्वाइन किया है उन सभी बच्चों का यहाँ पे नाम रखा है और उनको नॉट एलिजिबल बताया है क्योंकि उन लोगों ने AIQ का कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है राजस्थान स्टेट के लिए। तो जो भी बच्चे राजस्थान से हैं उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान ने ऑफलाइन के लिए काउंसलिंग के लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, और जो बच्चे राउंड वन में कॉलेज ज्वाइन कर चुके हैं उनको जाने की जरूरत नहीं, उसका भी नोटिफिकेशन आपको यहां पर दिखा देता हूं। यह है ऑफिशियल नोटिफिकेशन राजस्थान का जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आपको जो ऑफलाइन काउंसलिंग में आपने जो चॉइस फिलिंग करने के बाद जब आपको फिजिकल जाना पड़ेगा 11 से 17 तारीख तक, और उन्होंने दोस्तों पूरा शेड्यूल बताया कि आप जिस रैंक पे उस हिसाब से आपको कब जाना है। जैसे अगर आपकी स्टेट में मेरिट 1 से 400 के बीच में है तो आपको 11 तारीख को जाना है, 800 से 1200 के बीच में 12 को जाना है, और उसके साथ साथ दोस्तों SC जो सारे SC के स्टूडेंट्स को जाना है दोस्तों 13 तारीख को, 1800 से 2300 को, 14 तारीख को जाना है। तो एक कंप्लीट शेड्यूल दिया है दोस्तों कोविड की चीज़ ध्यान रखते हुए। तो अगर आप राजस्थान स्टेट से हैं, स्टेट कोटा राउंड टू के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप अपनी काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, मैं आपको बता देता हूँ आपको वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंट होगा ना होगा, और जिन बच्चों ने पहले कॉलेज ज्वाइन कर लिया उनको वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।